जोधपुर से बड़ी खबर का रुख करते, सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार दी। तो जोधपुर से बड़ी खबर है, आखिरकार सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने अपनी जान ले ली है, खुद के गले में गोली मारकर जान ली है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने की नरेश जाट की मृत्यु की पुष्टि। सीआरपीएफ डीआईजी के साथ विवाद के चलते चल रहा था परेशान, कल शाम 6 बजे से खुद को कर लिया था अपने ही घर में कैद। हवाई फायर के साथ कल से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था कैद। कल भी चला था समझाइश का दौर, आज सुबह भी चलता रहा समझाइश का दौर, मगर समझाइश के बीच खत्म हो गई नरेश जाट की जिंदगी। कोशिश और कवायद यही थी कि समझाइश के इस दौर के साथ नरेश जाट को समझाया जाए और कोई भी आत्मघाती कदम वो ना उठाए। और यही वजह कि परिवारजनों को भी बुलाया गया, उनसे भी कहा गया कि समझाइश वो भी करें, पर ये तमाम कोशिशें फेल होती नजर आई। आखिरकार सीआरपीएफ जवान नरेश ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस वक्त चश्मदीद जो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ मौजूद थे। सर, ये पूरा घटनाक्रम से आप लोग कोशिश कर रहे थे, आखिर ये किस तरह का डिसीजन हो गया? एक्जैक्टली हम यही चाह रहे थे कि न तो वो खुद को नुकसान पहुंचे, न किसी और को नुकसान पहुंचे। दैट्स वाई हम लगातार इसे बातों में उलझाए हुए थे। आज सुबह इसको ये भी कहा था कि तेरे साथ में जो भी तेरे ग्रीवेंसेज है, जो भी तेरी शिकायत है अपने डिपार्टमेंट से और कहीं से, तुम लिख के दो। तो इसने लिखना भी शुरू किया था। बीच बीच में आधा आधा घंटे किसके आईजी साहब ने बात की है, डीआईजी ने बात की है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने बात की है, इसके फादर ने बात की है, कंटिन्यूसली बातचीत इससे चल रही थी। जैसे ही मोबाइल खोलता कंटिन्यूसली बात कर रहे थे इससे हम, सो देट कि इसका दिमाग कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बावजूद भी इसको ये भी आश्वासन दिया गया था इनके डिपार्टमेंट की तरफ से, तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर तो पुलिस से डर रहा है या जेल जाने से डर रहा है तो वो भी हम नहीं करेंगे। इनके आईजी साहब ने ये भी अश्योर किया था इसको। बट एनीवे इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो हम नहीं जान सकते। अब इसकी क्या किससे क्या ग्रीवेंसेस थी वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसने खुद को गोली तो मारी है। बात से किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, कैसे, कहाँ गोली मारी है और अभी क्या स्थिति है, क्या डेथ डिक्लेयर होगी? हाँ, गोली मार ली है इसने अपने आप को। इसकी बॉडी अभी वहीं है, FSL आ रही है, वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया और बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके हमें जैसी रिपोर्टें देते हैं कार्रवाई करेंगे। सर, ये तनाव की बात BSF में, आर्मी में हो, पुलिस में, CRPF में, आपको लगता है कि जवानों की जो समस्याएं वो काफ़ी गंभीर होते हैं ऐसे मामलों में, इस तरह के हादसे पेश आते हैं? एक्चुअली क्या, मैन टू मैन डिफर करता है। कुछ लोग छोटी सी बात पे तनावग्रस्त हो जाते हैं, कुछ तनावग्रस्त नहीं होते हैं। ये सभी के लिए कॉमन चीज़ कहना ठीक नहीं है। तो इसके लिए नेचुरल ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, तो मेरे जैसे DIG साहब से बात भी हो रही थी, यहाँ साइकोलॉजिस्ट वगैरह की क्लासेस भी होनी चाहिए। लेकिन सर, इस बात का मलाल है कि आप लोगों ने पूरी कोशिश की, CPF जवानों ने, अधिकारियों सब ने मिलकर कोशिश की, उसको बचा नहीं पाए? निश्चित रूप से ये एंड अच्छा नहीं रहा हमारे लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि हम तो लगातार यही प्रयास कर रहे थे कि उसकी जान बच जाए, उसी के और किसी और को भी हम नहीं पहुंचा सके। लेकिन शायद वो इसमें आ गया था कि उसने गुनाह किया, अपराध किया, मैं अब जेल चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा, बच्चों। उसकी वाइफ ने भी उसे समझाया, जैसे उसकी वाइफ बता रही है कि कोई नहीं, तेरी नौकरी भी चली जाएगी तो हम घर जाके खेती बाड़ी कर लेंगे, भाई अपने आप को शूट मत कर तू, बट ही शूट इट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ का कहना है कि जब व्यक्ति का अंत आ जाता है तो कुछ नहीं सोचता। और आप देखिए कि जिस तरीके से इसी CRPF ट्रेनिंग सेंटर के अंदर वो ड्यूटी दिया करता था और आज जिस तरह की जो घटना सामने आई है उसके बाद से कई तरह के सवाल जो है खड़े हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर रविदत्त के नेतृत्व में कल से लगातार कोशिश चल रही थी जिंदगी बचाने की, नरेश की, उनके पत्नी की, उसके बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश थी, मगर आखिरकार किसी ने नहीं सोचा था कि एंड ये होगा। और खुद पुलिस कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर रविदत्त को इस बात की मलाल भी है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की, क्योंकि अब चूंकि उसने खुद को परिवार के साथ में अंदर कैद कर रखा था तो ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन अब कई तरह के सवाल जो है वो नरेश छोड़ गया है। आखिर क्यों DIG से विवाद था, क्यों छुट्टी को लेकर के विवाद था, अंदर साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं है जब ट्रेनिंग सेंटर में सबसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस कहाँ कोई कमी रह गई, क्योंकि आज एक नरेश गया है, कल को दूसरा नरेश चला नहीं जाए, इन बातों पर विचार करना बेहद आवश्यक है। भवन सिंह गरुत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। लाखों कोशिशें की गई, लाखों समझाइश का दौर भी जारी रहा और कोशिश और कवायद यही थी कि नरेश कोई आत्मघाती कदम ना उठाए, अपने परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। परिवार को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, पर खुद की जान नरेश ने ले ली है। एक बहुत बड़ा सबक यहां पर सीखने की जरूरत भी है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, समझाइश का दौर रहा, तमाम वार्ताओं का दौर भी रहा, पर ये तमाम वार्ताएँ फेल होती हुई नजर आई और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक सबक यहाँ से लिया जाए। निश्चित रूप से IOC ये बहुत बड़ी बात है। BSF की बात करिए, सेना की बात करिए, पुलिस की बात करिए, CRPF की बात करिए, आए दिन जिस तरह से जवान जो हैं सुसाइड करते हैं, तनाव के चलते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। बात अगर नरेश की करें तो कल शाम को 5:30-6 बजे हवाई फायर करने के साथ में वो अपने परिवार के साथ कैद हो जाता है। पुलिस कोशिश करती है, CRPF कोशिश करते हैं, हर तरह की कोशिश की जाती है, वो नाकाम रहती है। 4 IPS अगर बात करें तो IG,
जो सीआरपीएफ के हैं विक्रम सहगल आ गए थे, डीआईजी भूपेंद्र सिंह थे, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ थे, अमृता दुहन जो डीसीपी आई वो आईपीएस, चार आईपीएस और अपने पूरे जाब्ते के साथ जब कोशिश कर रहे थे, समझाइस की कोशिश भी की, कल से लगातार कोशिश चल रही थी, तो डाइवर्ट करने की भी कोशिश की, मगर वो उसके मन में जिस तरह की विकार थे, परेशानी थी, तनाव था, उसको अगर थोड़ा पहले समझ लिया होता, क्योंकि सूरतगढ़ में ऐसी घटना वो हवाई फायर संबंधी कर चुका है, तो ऐसे में थोड़ी देर पहले अपने आप को उसने टुड्डी के नीचे गोली मार के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। मौत की पुष्टि हो चुकी है, कुछ देर में एम्बुलेंस उनको लेकर के, उनके पार्थिव देह को लेकर के हॉस्पिटल जाएगी, या पोस्टमार्टम करने के बाद में शव परिजनों को सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, उम्मीद करें कि इस घटना से सबक लेने के बाद कुछ इस तरीके के सेशन वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे जिससे जवानों का जो तनाव है वो कम किया जा सके। निश्चित रूप से देखिए कि पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सेना हो, एयरफोर्स हो, ये सभी वो ताकतें शक्तियां हैं जो देश को सुरक्षित रखती हैं, जो कानून शांति। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।